उन्नाव में आज वोटिंग चल रहा है। हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज हैं। मैं महाराज, कितनी उम्मीद है आपको इस बार कि दो बार आप लगातार यहाँ से सांसद रहे हुए हैं, तीसरी बार जनता आपको फिर से सांसद बनाएगी? हम लोग उम्मीदों पर नहीं जीते हैं, विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ जीते हैं। 14 में जब मैं आकाश मार्ग से आया था, यहाँ की जनता ने 3,18,000 वोटों के अंतर से मुझे जिताया था। मैं उन्नाव को नहीं जानता था, उन्नाव की जनता मुझे नहीं जानती थी। 5 साल काम किया, 19 में अंतर बढ़ा, 4,01,000 के अंतर से मुझे जिताया और दोनों बार सामने वालों की जमानत जब्त हुई। इस बार कोई मैदान में नहीं है, टिकट फाइनल होती जनता चिल्लाने लगी, अब की बार 5 लाख पार, तो मुझे विश्वास है हैट्रिक बनाऊंगा। और 5 लाख से कितना पार जाएगा, एक वोट कम नहीं होने वाला। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो 5 लाख के पार कहाँ तक जाएगा ये तो मैं यहाँ की जनता पर छोड़ता हूँ। परंतु ये कलम की धरती है, कमंडल की धरती है और तलवार की धरती है। यहाँ के लोगों को किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं होती, इतिहास स्वयं बनाते हैं, निर्णय स्वयं लेते हैं। भारत का संविधान बना था तो यहाँ के दो विद्वान भारत की संविधान सभा में थे, एक थे माननीय हर्षद मोहनी जी और एक डॉक्टर भीष्मदल त्रिपाठी जी, दो लोग यहाँ के थे। 1857 के युद्ध में शुरुआत राजा राम भगत सिंह, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी, सातन पासी, पास में काकोरी है, काकोरी की कहानी आपने सुनी होगी। तो यहाँ की जनता बहुत ही सुधी मतदाता हैं। मैं अभिभूत हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों से यहाँ की जनता का मैं धन्यवाद करूँ। और मोदी योगी के तो इतने दीवाने हैं, ये मेरा पहला चुनाव है जिसमें मुझे वोट नहीं मांगना पड़ा। जनता ने हर बूथ पर, हर कार्यक्रम में कहा कि आप हरिद्वार जाइए, आराम करिए, आप सर्टिफिकेट ले जा आना ना, कोई चिंता मत करो जीतने की। पर मैं जीतने के लिए क्षेत्र में नहीं घूमा था, हैट्रिक के साथ मुझे इतिहास बनाना था। और चूंकि 19 में जब चुनाव हुआ था तो मैं उत्तर प्रदेश में तीसरे या चौथे नंबर पर था, उत्तर प्रदेश में मोदी जी के बाद में। अब कि मैं सोचता हूँ टॉप 10 इंडिया में जाऊँ, ये जनता का आशीर्वाद लेने के लिए मैं घूमूँ और मुझे लगता है उन्नाव की जनता मुझे जरूर टॉप 10 में इंडिया में भेजेगी। सपा प्रत्याशी को कितना सीरियसली आप लेते हैं, जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ से प्रत्याशी हैं अनु टंडन, जो कि 2009 में यहाँ से सांसद भी रह चुकी थी? वो सपा प्रत्याशी कुछ है ही नहीं। एक बार बिल्ली की भाग्य से छींका टूट गया, गलती से वो एमपी बन गई। 2014 में उनकी जमानत जब्त की जब वो हाथ के पंजे पर थी, 2019 में उनकी जमानत जब्त की, अब की वो साइकिल पे चढ़ के आ गई हाथ को साथ में लेकर के, तो उनकी फिर जमानत जब्त होगी। वो कहीं टक्कर में नहीं है, एकदम मैदान साफ है, कोई कुछ भी नहीं है। अब तो उनको सोचना है कि अगला चुनाव अगर लड़ना है तो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे। साक्षी महाराज के काम पे लोग वोट देते हैं यहाँ पे या मोदी योगी के नाम पर? जहाँ तक काम और विकास का प्रश्न है, सारे हिंदुस्तान में जितना 65 वर्ष में काम नहीं हुआ उसे 10 साल में काम हुआ है। और उन्नाव तो मतलब अप्रत्याशित रूप से विकास हुआ है। ये पहला जनपद है जिसमें 4-4 एक्सप्रेसवे हैं और हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री सड़क योजना में उन्नाव नंबर एक पर है। 600 किलोमीटर सड़कें अकेले उन्नाव में मोदी योगी कृपा से साक्षी महाराज ने बनवाई हैं। और बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। यहाँ 23,75,680 परिवारों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। तो विकास का जितना कार्य यहाँ हुआ है वो विकास सारे देश में हुआ, यहाँ कुछ ज़्यादा हो गया। और मैं एक धर्माचार्य हूँ, दुर्भाग्य से राजनीति हूँ, राजनीति मेरा जीवन नहीं, तो उसी आत्मी भावना से सबसे मिलता हूँ। तो जैसे लगता है कि पारिवारिक संबंध, और मैं हर शनिवार इतवार को अपना दरबार लगा के जनता से मिलने के लिए बैठता हूँ, सदा उपलब्ध रहा हूँ। आज तक मैंने अपना पीए नहीं रखा, फ़ोन मेरी जेब में होता है और फोन मैं जनता का स्वयं उठाता हूँ। तो मुझसे कभी कोई ये नहीं पूछता कौन बोल रहे हैं, उसी महाराज जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम, बस सीधे यही कहते हैं कि पता है महाराज जी ही फ़ोन उठाएंगे। तो जो संवाद सीधा है, जैसे मोदी मन की बात में सीधी बात कर लेते हैं तो कृतार्थ हो जाता है, तो मैं सीधी बात जब करता हूँ तो लोग अभिभूत हो जाते हैं। उसी का परिणाम ये है कि जनता ने एक तरफा मन बना रखा है। अब 5 लाख पार का नारा लगा रहे हैं, पूरी में लगा अंतर ही बहुत आगे बढ़ना है। योगी के मुख्यमंत्री रहते हुए आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, योगी जी और मोदी जी एक ब्रांड है और सारे विश्व में किसी के पास इसका विकल्प नहीं है। तो मंदिर का भी लाभ मिल रहा है,
धारा 370 का भी मिल रहा है, मोदी जी का तो मिल ही रहा है, योगी जी तो मिल ही रहा है। जब हम जाते हैं कहीं सभा करते हैं, लोगों से पूछते हैं आपके मन में क्या है, तो जब प्रश्न करते हैं मन में क्या है तो सोचते हैं शायद ये कुछ बात कहें हमसे उल्टी सीधी, विकास के बारे में, किसी और के बारे में, तो वो लोग कहते हैं मन में तो हमारे मोदी है, तो बोले वोट किसको जाएगा, लो मोदी को जाएगा, बोले हम क्यों आए, बोले आप क्यों आए आप जानिएगा, लेकिन वोट तो सारे का सारा मोदी और योगी को जाने वाला है। तो जनता के दिल में मोदी और योगी इतने समाहित हो गए हैं लॉ एंड ऑर्डर के कारण, विकास के कारण। आप ये देख लीजिए 65 साल तक कांग्रेस शासन करती रही, बीजेपी रोको मुसलमानों को निकाल देगी, मुसलमान को खा जाएगी, दंगे करवा देगी, तुम जी नहीं पाओगे, इन 10 सालों में दंगे के नाम पर खून की एक बूंद जमीन पर नहीं गिरी, और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस महामंत्र के साथ मोदी जी ने सबका काम किया। अगर शौचालय हिंदू को मिला मुसलमानों को भी मिला, आवास हिंदू को मिला मुसलमानों को भी मिला, अगर सिलेंडर हिंदू को मिला मुसलमानों को भी मिला, अगर आयुष्मान कार्ड हिंदू को मिला मुसलमानों को भी मिला, और हम अगर 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं तो हिंदू के साथ मुसलमान को ही दे रहे हैं। तो मुसलमान अभिभूत हुआ कि हमको पागल बनाया कांग्रेस ने, विपक्षी दलों ने, और मोदी जी ने हमको संभाला है। तो इस चुनाव में ये बड़ी बात है माननीय कि मुसलमान बड़ी संख्या में मोदी के साथ खड़ा, भी मैं गया एक बूथ पर मुस्लिम महिलाएं खड़ी हुई थी, मैंने अपने लोगों से पूछा वोट कहाँ जा रहे, बोले कमल पर जा रहा, तो मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने जरा हाथ जोड़ा तो उन्हें लंबा हाथ जोड़ करके मुझे प्रणाम किया। तो अब देश बदल गया, मोदी जी ने देश बदल दिया, और ये प्रेम से बदला है, तलवार से नहीं बदला है, डरा के नहीं, धमका के नहीं। जो मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास किया है, और 140 करोड़ मोदी परिवार अपना परिवार कह के जो पुकारा, मुझे लगता है इसका ये परिणाम है। यहाँ बूथ के बूथ मुसलमानों के, पिछले चुनाव में 2-4 बूथ हम मुसलमानों के जीते थे, पर इस बार वो रफ्तार और बढ़ी है, बड़ी संख्या में मुसलमानों के बूथ भी जीत रहे हैं। तो उन्नाव तो इतिहास बनाता है, बनाएगा। आपको लगता है कि जैसा कि नरेंद्र मोदी लगातार जनसभाओं में कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में आती है तो मंगलसूत्र आपका ले लिया जाएगा, विरासत टैक्स लगा दिया जाएगा, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि आपकी 2 भैंसें अगर होंगी तो 1 भैंसें खोल ली जाएगी, इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती रही सदा, और तुष्टिकरण के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ, बंटवारा भी ठीक नहीं हुआ। मैं बहुत ही व्यथित करने वाली बात सुना रहा हूं आपको, देश के विभाजन के समय पाकिस्तान में 23% हिंदू था, 8.5% रह गया, कहाँ गया, मार दिया गया, निकाल दिया गया, जमीन खा गई या मुसलमान बना दिया गया, ये पाकिस्तान का हाल है। और इन 65 सालों में हिंदुस्तान में 8% हिंदू घटा है और 46% मुस्लिम बढ़ा है। तो जो PFY वाले या कट्टर लोग सोच रहे थे गजवाए हिंद, तो कोई निराधार तो नहीं था, जब इस तरह से आबादी बढ़ रही थी, तब फिर मेरे बयान को विवादित कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, संसाधन कम हो रहे हैं, जमीन कम हो रही है, आबादी बढ़ रही है। हमारे 150 MP ने लिख के प्रधानमंत्री को दिया है कि इस पर कानून जल्दी से जल्दी बनाओ। तो मेरा भी कहना यह है कि इस देश सर्वोपरि है, इस देश को बलवान करने के लिए, देश को संभालने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत आवश्यक है, बढ़िया सा कानून बनना चाहिए, हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक। अब वो जमाना नहीं चला 4 बीबी और 40 बच्चे, 40 बच्चे और 4 बीबी और अल्लाह देगा खाने को, हमारा काम पैदा करने का चलने वाला नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे देश के लिए हैं, देश की सोच की बात है भाई। अब इसको भी कोई सांप्रदायिकता कहने लगे, शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमान को IAS IPS बनाने किसी ने, मोदी ने सोचा, कश्मीर का आप हाल देखिए, धारा 370, हम तो मथुरा MP थे तो तिरंगा एक फहराने के लिए गए थे, हमारी बसों पर हमला हुआ था, 1 दर्जन लोग हमारे घायल हुए थे, हमारे गणर विश्व यादव की छाती में गोली लगी थी, आज तो तिरंगा ही तिरंगा है, आज तो लोग राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ गए हैं। तो इतना बड़ा काम जब मोदी जी ने किया है तो पूरा राष्ट्र अभिभूत है मोदी जी के प्रति और मोदी के साथ खड़ा है। चलिए महाराज, आपको बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामना कि आप 5 लाख पार इस बार जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। कैमरा पर्सन अभयनाथ के साथ रमन कुमार, उन्नाव, न्यूज़ 24।